इसकी शेयरिंग तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये तो वायरल होने वाली है। उफ मेरे अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया। सिर्फ चंद पैसे बचाने के लिए आप एक माँ और उसके बच्चे की जिंदगी के साथ खेलेंगे? कौन किसकी जिंदगी के साथ खेल रहा है ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। कहाँ जा रहे हैं, निकले मेरे कमरे से बाहर। आ रहा हूँ मैं, आपको अभी बताता हूँ, सबर कर जाए। ये आपकी हॉस्पिटल की पॉलिसी बुक है ना, आप सारे डॉक्टर्स को फॉलो करते हैं। इसमें लिखा है कि अगर आप एक नॉर्मल डिलीवरी को सिजेरियन में कन्वर्ट कर दें, उस डॉक्टर को 25,000 कमीशन मिलेगा। तो इसमें क्या गलत है? क्या गलत है? अपने कमीशन के लिए, हॉस्पिटल के प्रॉफिट के लिए आप एक नॉर्मल डिलीवरी को सिजेरियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तभी तो आप लोग एक दिन में 12-12 सिजेरियंस कर रहे होते हैं। एक औरत होकर आप किसी और की बेटी, बीवी, बहन के साथ ये कैसे कर सकती हैं? माँ मुकद्दस होती है, डॉक्टर मसीहा होता है। एक मसीहा मुकद्दस औरत को सर्जरी टेबल पे ऐसे लिटा के उसके साथ काटा पीटा कैसे कर सकती है? आप सोचें, आपके साथ या आपकी किसी बहन के साथ ये हो जाए तो आप क्या करेंगी? ये तो हॉस्पिटल पॉलिसी है, इसमें मेरा क्या कसूर है? ठीक है, हॉस्पिटल पॉलिसी है, खुद ही बता दिया इन्होंने, ये मेरे साथ है। चलो पान। मैडम, मैडम, क्या ये देखे, किसी ने आज की वीडियो पोस्ट की है। कमीशन के लिए, हॉस्पिटल के प्रॉफिट के लिए। इसकी शेयरिंग तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये तो वायरल होने वाली है। उफ मेरे अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया, इससे तो मेरा करियर तबाह हो जाएगा। इतनी बड़ी हिमाकत मैंने कैसे कर दी? जिस खातून की वीडियो वायरल हुई है, उस खातून को इसी बिल्डिंग में लाया गया है। एक सिजेरियन केस को नॉर्मल डिलीवरी बनाया जा रहा है और हमें डिलीवरी नॉर्मल हो गई है। बच्चा भी सेहतमंद है और माँ भी बिल्कुल ठीक है। क्या ये आपके प्रोफेशन पे सवालिया निशान नहीं है? बहुत सी डिलीवरीज को मैंने सिजेरियन में कन्वर्ट किया है, खुदा मुझे माफ करे। इतने सारे केसेस में फर्स्ट टाइम मैंने माँ और बच्चे को फील किया है, और पहली बार मुझे ये एहसास हुआ है कि मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक औरत हूँ। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि माँ तो तख्लीकी होती है, तामीरी होती है, और ये कौम और नस्लों को जन्म देती है। इसके साथ नाइंसाफ़ी खुद के साथ नाइंसाफ़ी होती है, और ये एहसास मुझे गुलजार ने दिया है। ही इज़ अ ट्रू जेंटलमैन, और हमें ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। देखिए इडियट जुमा रात 8 बजे, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।